बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पांच देश रत्न मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री का बंगला कल खाली किया, लेकिन बंगला खाली होने के साथ ही एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री के नाते सम्राट चौधरी को वो बंगला आवंटित किया गया है। सम्राट चौधरी दशहरा बाद उस बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। तो सम्राट चौधरी के निजी सहायक और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया लेकिन कीमती सामान को उखाड़ कर ले गए। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी जब सरकारी आवास खाली कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने सरकारी आवास से सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया था। छोटी छोटी चीजें, चाहे वो रूम में लगे टाइल्स हो, टोटी हो, फर्नीचर्स हो, उन लाइट्स हो, एयर कंडीशन हो, उन्होंने भी उन सारी चीजों को, सरकारी संपत्ति को अपना समझ करके अपने साथ ले गए थे। पूरे देश ने देखा था। आज भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का टोटी चोर अगर आप कहिएगा तो सबको ही समझ जाता है, बच्चा बच्चा समझ जाता है कि टोटी चोर किसके बारे में कहा जाता है। कि हम लोग आए हैं इसको अपने लेने के लिए, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के लिए आवंटित है, उप मुख्यमंत्री के लिए वो हैंड ओवर करने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं। तो लेने के लिए आए हैं तो हम सारे सामान को देख रहे हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगा वो देख रहे हैं। देखने के क्रम में आप जाकर के देख सकते हैं, सारा बिल्डिंग से लेकर कार्यालय तक में लगभग 20 से ज्यादा स्प्लिट एसी उखाड़ा हुआ है, जिसमें दो कॉन्फ्रेंस हॉल में है, कम्युनिटी जो स्टाफ रूम है उसमें है, ऑपरेटर रूम दो में है उसमें दो है, इस समय इस बिल्डिंग में है। से अलावे इसके अतिरिक्त आप उसका किचन में चले जाइएगा, फ्रिज नहीं है, आरओ नहीं है, इसके एक भी पलंग नहीं है, सोफा सेट नहीं है, वो कबाड़ी वाला के यहाँ से ला के सोफा सेट उसमें रख